तो हेलो गाइस, ये रहा वो कमेंट जो जीते हैं हमारी पिछली वीडियो के टॉपअप को। अगर आप भी इन्हीं की तरह जीतना चाहते हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर देना है और वीडियो को पूरी देखकर सबसे अच्छे पार्ट को कमेंट कर देना है अपनी आईडी के साथ। और गाइस, अगर आप हमारे साथ वीडियोस में ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा डिस्कॉर्ड का, जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि हम आपके साथ वीडियो बना सकें। अरे आप रोज डेली पैदल काम पे जाते हो, मैं आपको लिफ्ट देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इससे अच्छा है आप गाड़ी ले लो, और अच्छा रहेगा। अगर आपसे गाड़ी नहीं ली जाती तो मैं दिला दूंगी, वैसे भी दिवाली तो आने वाली है। अरे हाँ हाँ, तुम्हारी बात को मैं समझ गया, तुम मुझको बहुत पसंद करती हो, मैं भी तुमको बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन अभी मुझे जाने दो। अगर मेरी बीवी ने तुम्हारा साथ मुझे अगर गलती से भी देख लिया ना तो वो मुझे घर में नहीं घुसने देगी। ठीक है, जाता हूँ अभी, बाय बाय। बाय बाय। लो आ गया मेरा घर, चलो अंदर चलता हूँ। अरे पुष्पा किधर हो, बैठा जा तू ऊपर जा। और पुष्पा कैसी हो? अच्छी आ गई आप, चलिए आप थक गए होंगे, रोज काम पे पैदल जाते हैं, चलिए जाके ऊपर आराम कर लीजिए, जाइए आप बहुत थक गए होंगे ना, बहुत दूर से पैदल चल के आते हो, जाइए जाइए आराम कर लीजिए। अरे हाँ हाँ, मैं बहुत दूर से पैदल चल के आता हूँ ना तो थक गया हूँ थोड़ा, चलो ठीक है मैं आराम कर लेता हूँ ऊपर जाके। रोहन को नीचे भेजना। हाँ हाँ, उसे मैं भेजता हूँ नीचे। रोहन बेटा जा, तेरी मम्मी बुला रही है तेरे को, जा। झूठ मूठ का आराम करना पड़ेगा, पैदल तो आता नहीं हूँ मैं, सो जाता हूँ अभी। चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, मोनिका मेरा वेट कर रही होगी वहाँ पे। चलो तैयार तो हो गया, अब नीचे चलता हूँ जल्दी से, टिफिन लेके काम पे निकलता हूँ। अरे पुष्पा कहाँ हो, जल्दी आओ, टिफिन दो मेरा मुझे। और बेटा अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई चल रही है ना तेरी? हाँ पापा, पढ़ाई तो ठीक चल रही है, अभी दिवाली की छुट्टियाँ पड़ी हुई है मुझे। अरे पुष्पा जल्दी करो, मेरा टिफिन दो मुझे, मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी दो, इतना दूर पैदल भी जाना काम पे, रोज का काम है तो टाइम लगता है ना, जल्दी कर दिया करो, टिफिन दो मेरा मुझे और मैं फिर चलता हूँ, ठीक है ना? टिफिन दे दो। अजी ये लीजिए आपका टिफिन, और आप गाड़ी क्यों नहीं ले लेते, दिवाली में ऑफर भी मिलेगा। अरे गाड़ी ले लूंगा, तुम्हें किस बात की जल्दी है, अभी तो मैं चल रहा हूँ, ठीक है बाय बाय, शाम को आता हूँ। अरे अरे मोनिका आ गई, मेरा वेट कर रही है कब से। आ गया मोनिका, आ गया, मैं आ गया, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। मोनिका तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, बहुत ही अच्छी हो। चलो चलो अब जल्दी चलो, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, जल्दी चलो मुझे काम पे जाना है ना, चलो। अजी मुझे अच्छा नहीं लगता आप ऐसे पैदल काम पे जाते हो, इसलिए आप ऐसा करना, आज शाम को आपके ऑफिस के बाहर में आपको मिलूंगी, फिर हम आपके लिए नई गाड़ी लेने चलेंगे, दिवाली तो आ ही गई है, वैसे भी 2 दिन बाकी है। मम्मी अभी तो ना गाड़ियों पे भारी डिस्काउंट भी मिल रहा है, दिवाली है ना तो पापा को गाड़ी ले लेनी चाहिए। हाँ बेटा मैं बोलूंगी आज शाम को उन्हें। चलिए सर जी, आज का काम तो खत्म हो गया, अब मैं चलता हूँ, ठीक है ना, बाय बाय, वरना लेट हो जाऊंगा मैं, ठीक है सर जी। हाँ हाँ रमेश तुम जाओ, आज का काम तो खत्म हो गया है, और सुनो दिवाली आने वाली है, 2 दिन बाकी है, तो मैं तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ दिवाली का, तुम बहुत अच्छा काम करते हो मेरी कंपनी में, ठीक है ना, इसलिए मैं तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट दूंगा, कभी भी दे सकता हूँ, समझे ना। ठीक है बॉस, अभी मैं निकलता हूँ, क्योंकि मुझे किसी और ने भी बोला था गिफ्ट के लिए आज, तो अभी मैं जाता हूँ, बाय बाय, कल टाइम पे आ जाऊँगा काम पे। चलो चलो मोनिका किधर है, ओ तो ये आ भी गई, मेरा ही वेट कर रही थी शायद आने का। अरे अरे मोनिका आ गई तुम, तो हो गई आपकी छुट्टी, चलिए अब हम चलते हैं आपके लिए कार लेने, नई मैं आपको नई कार गिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है ना दिवाली पे। चलो चलो फिर ठीक है, चलते हैं कार लेने, लेकिन यार जो तुम कार दिलाओगी तो मैं मेरे घर वालों को क्या बोलूंगा कि ये गाड़ी किसने दिलाई है। हाँ अरे बस इतनी सी बात बोल दीजिएगा, दिवाली पे बॉस ने गिफ्ट करी है, लीजिए बस हम आए गए कार के शोरूम, आप है ना अपनी बीवी को बोल देना कि दिवाली पे बॉस ने कार गिफ्ट की है, ठीक है वो आपको कुछ नहीं बोलेगी, और ये जो गिफ्ट है ना ये मेरी तरफ से है आपके लिए मेरा प्यार,
ठीक है, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लीजिए हम आ गए। अरे वो बात तो सही है, लेकिन हमारे अफेयर के बारे में अगर मेरी बीवी को पता चल गया ना तो वो मुझे घर में नहीं रहने देगी। ठीक है चलो अब हम गाड़ी देखते हैं, कौन सी गाड़ी पसंद आती है मेरे को। शोरूम तो काफ़ी अच्छा है, बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी है यहाँ पे, कौन सी गाड़ी लूँ कौन सी। अरे आपको जो अच्छी लगी ना वो लीजिएगा, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, पैसे मैं पे कर दूंगी, मेरी तरफ से आपको गिफ्ट होगा ये, ठीक है ना। आप पसंद कर लीजिए आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। अरे हाँ हाँ वही तो देख रहा हूँ मैं कौन सी गाड़ी लूँ, ये गाड़ी अच्छी लग रही है मुझे थोड़ी। चलो थोड़ा मैनेजर से बात कर लेते हैं, इधर भी नहीं यार जीप नहीं चाहिए, जीप तो तुम्हारे पास है, वो वाली गाड़ी लूँगा यार, वो अच्छी लग रही है, ठीक है ना। चलिए फिर ठीक है, वो लेम्बोर्गिनी है वो लेंगे ना आप। चलिए फिर ठीक है, हम मैनेजर से बात कर लेते हैं, आइए। तो हेलो सर, मैं उम्मीद करता हूँ आपने आप हमारी यहाँ की सारी गाड़ियाँ देख ली होगी, तो उम्मीद करता हूँ आपको एक गाड़ी तो पसंद आई होगी, तो मैं आपके लिए वो गाड़ी रेडी करवा देता हूँ अगर आप अभी लेना चाहते हो। अगर आप गाड़ी अभी लेते हो तो दिवाली के इस अवसर पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा गाड़ियों पर, तो आप ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर गाड़ी अगर आप लोगे तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। चलिए आप मुझे दिखा दीजिए आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई है। आओ मैनेजर साहब मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये काली वाली लेम्बोर्गिनी है ना, ये मेरे को बहुत पसंद आई है, मेरे को ये वाली लेनी है, कितने की पड़ेगी। अरे मेरे को पैसे की क्या चिंता, आपको वो लड़की देगी पैसे। गाड़ी तो काफ़ी अच्छी है, मैं यही ले रहा हूँ, ठीक है ना मैनेजर साहब। हाँ सर, आपको 50% डिस्काउंट में ये गाड़ी मिल जाएगी, और जो पेपर वर्क है और जो पैसे देने हैं वो मैडम जी दे रही है ना, और इस गाड़ी की खास बात ये है ये रंग भी बदलती है, ठीक है ना, आप इसे ले जा सकते हैं, बाकी पैसे वैसे हम उनसे ले लेंगे, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं तो चलता हूँ, मेरे बाप का क्या जा रहा है। अरे हेलो मोनिका, मुझे ये वाली गाड़ी पसंद आई है तो मैं ये लेके जा रहा हूँ, तुम पेपर वर्क और पैसे वैसे दे देना, ठीक है ना, बाय बाय लव यू, चलता हूँ मैं, ठीक है तुम आ जाना अपनी जीप लेके, मैं चलता हूँ मेरे घर पे, वरना ज़्यादा लेट हो जाऊँगा। बीवी को तो ज्ञान मारना पड़ेगा झूठ बोलकर कि सेठ जी ने गाड़ी गिफ्ट करी है, मान जाएगी वो तो, वो थोड़ी ना पूछेगी ज़्यादा। चलो आ गया घर, अब अंदर चलता हूँ, बीवी तो देख कर खुश हो जाएगी, बेटा भी खुश हो जाएगा। चलो 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 पुष्पा कहाँ हो, ओ तो तुम यहाँ पर बैठी हो सज धज के, कितनी अच्छी लग रही हो। पुष्पा आज तुम्हारे लिए मैं एक सरप्राइज लेके आया हूँ बहुत बड़ा। अजी बताइए क्या सरप्राइज लेके आए हो आप मेरे लिए। अरे चलो मेरे साथ, तुम्हें सरप्राइज बताऊंगा नहीं सरप्राइज दिखाऊंगा, आओ मेरे साथ बाहर और देखो ये मेरी न्यू गाड़ी, ये गाड़ी मुझे बॉस ने गिफ्ट करी है, एक बार देख लो कितनी अच्छी और महंगी गाड़ी बॉस ने मुझे गिफ्ट करी है, मेरे काम का फल दिया है मुझे आज दिवाली को, मतलब दिवाली तो 2 दिन बाद है ना, सर ने मुझे पहले ही दे दिया है। अच्छा जी, आपके बॉस ने आपको इतनी महंगी गाड़ी गिफ्ट की है, तो फिर जो अंदर ये पड़ी है इधर आना जरा, ये गाड़ी किसने गिफ्ट की है, अगर वो गाड़ी आपके बॉस ने गिफ्ट की है तो ये गाड़ी किसकी है। मुझे क्या पता ये गाड़ी किसकी है, बॉस ने तो मुझे वो वाली गाड़ी गिफ्ट की थी, बॉस और हम साथ में गए थे गाड़ी लेने, हाँ फिर मेरे को नहीं पता ये किसकी गाड़ी है, कोई गलत गाड़ी आ गई घर में। अरे बॉस आप, अरे आप यहाँ पे बॉस कैसे। अरे सरप्राइज था तुम्हारे लिए, और बताओ कैसा लगा मेरा दिवाली का गिफ्ट ये जीप। हाँ अरे सर आप तो बोल रहे हो आपने ये जीप दी है गिफ्ट में और आप लेके भी आए हो, आप खुद बोल रहे हो, लेकिन बाहर ये पता नहीं कौन सी लेम्बोर्गिनी लेके आए हैं और बोल रहे हैं आपने गिफ्ट की है। नहीं नहीं मैंने कोई लेम्बोर्गिनी गिफ्ट नहीं की है, मैं तो जीप लेके आया हूं। तो फिर वो लेम्बोर्गिनी किसने गिफ्ट की और ये मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। मम्मी मम्मी मुझे पता चल गया किसने गिफ्ट की होगी वो लेम्बोर्गिनी, आपको मैंने बताया था ना एक बार, एक लड़की है जो पापा को रोज काम पर साथ में ले जाती है और वापस भी लाती है, वो बहुत पैसे वाली है, उसने गिफ्ट किया होगा। अरे आज तो पकड़ा गया, भागो भागो। अरे पुष्पा मुझे माफ कर दो, आइंदा से गलती नहीं करूंगा। नहीं नहीं आज मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, कहां पर भाग के जाओगे मुझसे, जाने दो सर सर आप रहने दीजिए, जाने दीजिए। आप उस लड़की को जानते हो ना जिसने गिफ्ट की थी, उसे कॉल करके मेरे घर पे बुलाइए।
चलिए मैं उस लड़की को बुला लेता हूँ जिसने गाड़ी गिफ्ट की थी, मेरे पास उसके नंबर है, मैं उसे कॉल कर देता हूँ। हाँ हेलो, हाँ हाँ सुनो, मैं तुमको एक व्हाट्सएप पे लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पर आ जाओ, ठीक है? तो मैंने उसे बोल दिया है वो आती होगी। तो ये है वो चुड़ैल, इसको तो छोड़ूंगी नहीं मैं, मेरे पति को अपने जाल में फंसा रही है, मारो साली को, मारो कमीनी को, मेरे पति को फंसा रही है, मारो 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 साली को, भाग खा रही है साली, रे रे मुझे क्यों मार रहे हो आप लोग, मैंने क्या किया ऐसा, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे जाने दो, मेरे पति को फंसाती है और बोलती है मैंने क्या किया, रुक तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, भाग खा रही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यार आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, तो इसी बात पर यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो गाइस मिलते हैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।